गरीबी में उत्तर प्रदेश ने छलांग लगाकर और बिहार और झारखंड के साथ शीर्ष पर स्थान बनाया है और इसका असर निश्चित तौर पर आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये जो नाराजगी है इसका असर दिखेगा। तो ये इस तरह से जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आला अधिकारी, नेता, पूरा सिस्टम पूरे झूठे आंकड़ों पर फोकस करके प्रचार तंत्र में चीज़ें प्रचारित की जा रही हैं तो आप इसमें क्या कह सकते हैं। इसके विरुद्ध समाज के सब तबकों में और ख़ास तौर पर किसानों में और युवाओं में गहरी नाराज़गी है। 97 दिन हो गया और प्रदेश में फिलहाल 5 लाख से ज़्यादा पद विभिन्न विभागों में रिक्त हैं और इनको भरने के लिए योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बार बार घोषणाएं की। भारतीय जनता पार्टी के 2017 के विधानसभा चुनाव में इसका वादा किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यह वादा युवाओं से किया था कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को 90 दिन के अंदर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी भरने के लिए। लेकिन आज स्थिति यह है, पूरे प्रदेश का युवा सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन आवाज़ सुनने के बजाय जो वादा किया था योगी सरकार ने और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि इन पदों को भरा जाएगा और चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी, तो ना तो पारदर्शी चयन प्रक्रिया प्रदेश में सुनिश्चित की जा रही है और ना ही इतने बड़े पैमाने पर रिक्त पद हैं इनको भरा जा रहा है। ख़ास तौर पर हम बता दें कि TGT PGT शिक्षक भर्ती है, 27,000 पदों पर भर्ती के लिए 2 जुलाई को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए आदेश दिए गए हैं। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री और आला अधिकारी घोषणाएं करते रहे, 2 साल पहले से घोषणाएं करते रहे, लेकिन अब इससे इनकार कर रहे हैं। पुलिस भर्ती के बारे में 52,000 पदों के लिए 2 साल से 2.5 साल से विज्ञापन प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। इसी तरह अन्य तमाम जो भर्तियां हैं वो प्रस्तावित हैं। हाल ये है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अभी भी दर्जन भर से ज़्यादा भर्तियां, पुरानी भर्तियां पेंडिंग हैं, जिसमें कई भर्तियां सपा सरकार द्वारा शुरू की गई थी वो भी अधर में है। तो ऐसी बुरी स्थिति प्रदेश में बनी हुई है और हाल के दिनों में जिस तरह से TET का पेपर लीक हुआ, जिस तरह से उसे रद्द किया गया, नाटकीय तरीके से आनन फानन में रद्द किया गया और रैली में अनाउंस किया गया कार्रवाई का, और उसके पहले इस PNP संस्था में सिंगल बेंच लखनऊ की उसने 68,500 वाले धांधली के मामले में, जिसमें कापियां तक जलाई गई थी, आदेश दिया था CBI जांच का, लेकिन सरकार ऊपर की कोर्ट में चली गई और उसे रद्द करा लिया गया। और कुल मिलाकर के प्रदेश में 5 साल में जो भर्तियां हुई हैं, पुरानी पेंडिंग या कुछ नई भर्तियां, उसमें अभूतपूर्व धांधली हुई है, सरकार उसको रिजेक्ट करती रही है और बहुत ही इससे लोगों में, युवाओं में नाराज़गी है। हमारी मांग ये है कि बहुत कम समय बचा है आचार संहिता लागू होने में, 1 महीने से ज़्यादा अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं है ये समय, और इस अल्प समय में सरकार ये कर सकती है और सरकार को ये करना चाहिए। हमारी मांग है कि जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी रिक्त पदों को विज्ञापित किया जाए। लाठी चलाना या आवाज़ कुचलना जो लोकतांत्रिक अधिकार है युवाओं का, ये इससे सरकार बाज आए और जो संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है युवाओं का, नागरिकों का, उसको ये सुनिश्चित करे, गारंटी करे और रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करे। ये वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से आप लोग के ऊपर उत्पीड़न हो रही है? देखिए, वर्तमान सरकार के बारे में आपने मीडिया रिपोर्ट्स देखा है और लंबे समय से 4.5 साल तक, अभी हम सिर्फ यूथ क्वेश्चंस पर केंद्रित कर रहे हैं, 4.5 साल तक एक प्रचार होता रहा कि नौकरियां दी गई, रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई, रिकॉर्ड रोज़गार सृजित किया गया, 4 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार सृजन का दावा किया जा रहा है, जिसमें 1.5 करोड़ मनरेगा में है। आश्चर्यजनक यह है कि जिन लोगों ने 4 साल में 1 दिन दिहाड़ी मजदूरी इस सरकार में पाई है उसको भी एक रोज़गार मान लिया गया। इसी तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो MSME बोलते हैं
उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा कह दिया गया। लॉकडाउन के बाद जब सब बंद हो गया था, उसके बाद दोबारा संचालन हुआ इंडस्ट्री का, इन्होंने कह दिया कि हमने इसको पुनर्जीवित किया है। इसी तरह न जाने कितना मामले इन्होंने ले आए हैं प्रचार में, इसी तरह विकास के मामले में प्रचारित हो रहा है, इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर सुशासन के मामले में प्रचारित हो रहा है कि हमारी सरकार अव्वल है, हर चीज़ में अव्वल बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, चाहे अपराध और माफिया का शिकंजा हो प्रदेश में, वर्चस्व हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे रोजगार के अवसरों में कटौती का मामला हो, रोजगार के संकट का मामला हो, या महिला सुरक्षा से लेकर के किसानों की बदहाली का मामला हो, आम आदमी की ज़िंदगी का मामला हो, सारे मोर्चों पर, सारे मामलों में योगी सरकार फेल हुई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीठ थपथपा रहे हैं कि योगी सरकार हर चीज़ में अव्वल है, अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाया है। आपने देखा कि नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास में जिस समय वो भाषण दे रहे थे कि योगी सरकार की तारीफ के पुल बांध रहे थे, बता रहे थे कि योगी सरकार किस तरह से पुरानी सरकारों में उत्तर प्रदेश अभाव और अंधकार में था, और उससे निकाल करके योगी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाई है। लेकिन उसी समय नीति आयोग का जो डेटा प्रकाशित हो रहा था, उसी दिन उसमें यह बताया गया कि गरीबी में उत्तर प्रदेश ने छलांग लगाकर और बिहार और झारखंड के साथ शीर्ष पर स्थान बनाया है। तो ये इस तरह से जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आला अधिकारी, नेता, पूरा सिस्टम पूरे झूठे आंकड़ों पर फोकस करके प्रचार तंत्र में चीज़ें प्रचारित की जा रही हैं, तो आप इसमें क्या कह सकते हैं। इसके विरुद्ध समाज के सब तबकों में और ख़ास तौर पर किसानों में और युवाओं में गहरी नाराज़गी है, और इसका असर निश्चित तौर पर आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जो नाराज़गी है इसका असर दिखेगा। अच्छा, एक सवाल ये था आपसे कि अभी आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए अभी माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अभी जो है हमने यहाँ पे जीत लिया है, अब बाकी काशी की पारी है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर अभी हम कोई खास इस बारे में, आप जानते हैं वो कह रहे हैं कि हमने एजेंडा सेट कर दिया है जो हिंदुत्व का एजेंडा है, लेकिन अब बार बार उसी तरह से ये चीज़ें लोग सच्चाई जान चुके हैं कि क्या इनका हिंदुत्व का एजेंडा है, क्या कॉरपोरेट का एजेंडा है, और ये जो कॉरपोरेट और हिंदुत्व ये मिल करके चीज़ें जो देश में लागू की जा रही हैं, उसमें लोग जान रहे हैं किस तरह से उनके मुनाफाखोरी लूट के लिए समाज में जो विक्षोभ पैदा हो रहा है, आम जनता बदहाली की स्थिति में है, उस विक्षोभ से ध्यान हटाने के लिए, आपसी एकता, भाईचारा, सद्भाव को तोड़ने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। और आप जानते हैं, जब कोर्ट ने, शीर्ष कोर्ट ने एक बार मामला सेटल कर दिया, तो लोगों ने कहा कि अब मामला दहिंद हो जाना चाहिए, और जो संवैधानिक स्थिति हमारी पूजा स्थलों की है वो बरकरार रहनी चाहिए। जो बाबरी मस्जिद मामले से जो बांधे में हुआ, उसके बाद जो संसद में कानून बना, उसके बाद पूजा स्थलों की स्थिति जो स्टेटस को बरकरार रहनी चाहिए, अब उसमें विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। ये देश का जनमत यह कहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं, भावनात्मक मुद्दे उठा करके और ऐसे मुद्दे उठा करके जिसमें नफरत और उन्माद देश में पैदा किया जा सके, ऐसे मुद्दों के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी बैतरणी पार करना चाहती है। लेकिन मेरा दृढ़मत है व्यक्तिगत तौर पर, जो इस तरह से मैं छात्रों को, आम जनता को देखता हूँ और गरीब लोगों को भी देखता हूँ, कि वो लोग समझ गए हैं इसको कि अब उस तरह से निश्चित तौर पर वो लोग कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना ज़िंदगी के सवाल, जितना लोगों के रोज़मर्रे के सवाल ऊपर आ गए हैं, सवाल बन गया है, मुद्दा बनता जा रहा है, तो अब उसका उस तरह से तेवर, जो पहले लाभ मिला है वो लाभ चुनाव में नहीं मिलेगा, चाहे जितनी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस तरह से लाभ नहीं मिलेगा। ध्रुवीकरण कराने की जो भी कोशिश हो वो उसमें सफल नहीं होंगे, और जो जनता के मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, खेती किसानी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, जो वास्तव में सच्चा राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये मुद्दे देश में बनेंगे,
और इन मुद्दों पर जो अर्थव्यवस्था का मुद्दा है चौपट हो रही है, इन मुद्दों पर एक लोगों में अवधारणा धारणा बन रही है कि इन मुद्दों पर चुनाव राजनीतिक पार्टियों को और सबको वो करना चाहिए, उन लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा, रिजेक्ट करेगी जनता जो लोग गुमराह कर रहे हैं और जो लोग गलत तरीके से चीज़ें समाज में पैदा कर रहे हैं। तो आपकी किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? नहीं, बेशक जो हालात हैं प्रदेश और देश में, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बदहाली की ओर ढकेल दिया है, तो एक आम लोगों में ये धारणा है, युवाओं में भी वो बन रही है कि किसी पार्टी के समर्थन, जो किसानों ने भी कहा हम किसी पार्टी की पैरोकारी नहीं कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हमारे मुद्दे पर कौन पार्टी क्या पोजीशन लेती है, कितना समर्थन करती है, कितना नीतियों में बदलाव करती है, वो अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धोखा दिया है, जिस तरह से देश को बदहाली की ओर ले गया है, चरम बेरोजगारी है, खेती किसानी चौपट हुई है, महंगाई बढ़ रही है, इसमें लोगों की एक आम धारणा है और युवाओं की भी है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बेदखल किया जाए और भविष्य में केंद्र से भी बेदखल किया जाए, ये धारणा बन रही है। और ये धारणा जाहिर तौर पे जो विकल्प मौजूद होगा लोगों के सामने उसको लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी। और ये जन मुद्दों पर चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव जन मुद्दों पर होने जा रहा है, इसका मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। आपका परिचय? राजेश सचान, संयोजक युवा मंच।